जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओमचो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार दुलार हमें प्रदान करने के लिए। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने, नए व्यूअर हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आपसे निवेदन मैं करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल या जिन भी देवी देवताओं पर आपको पूर्ण यकीन हो उनका नाम जरूर लिखें। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी जगह जुड़ सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको हमेशा ज्योतिष के बारे में सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, हम सकारात्मक ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, आपको ज्योतिष के साथ थोड़ा मोटिवेशनल और जो सही जानकारी वो उपलब्ध हम करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कुछ है ही नहीं बिल्कुल, और हजारों लाखों लोगों को फायदा हुआ है, निशुल्क ज्योतिष हमारे द्वारा उपलब्ध करवाते हैं हमेशा। तो कुछ दिनों से बंद है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों फिर से शुरुआत उसकी करूँगा मैं। लाखों हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है, आपको भी होगा। तो केवल मैं अगर आपसे बात नहीं कर पाता हूँ तो इन प्रिडिक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ इनसे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, उसी सिलसिले में हम इस आपकी राशि के लिए चर्चा करेंगे। कभी भी होश ना खोए दोस्तों, यह विषय है आज का जिस पर हम आप चर्चा करेंगे। होश क्यों नहीं खोने की बात मैं कर रहा हूँ। हम चाहे हमारे हालात गरीबी के हों, आज हमारे पास कुछ नहीं है, हम होश में नहीं होते, हमें डर होता है कि क्या होगा हमारे भविष्य का, बच्चों का क्या होगा, मैं जानता हूँ। लेकिन आपको इस बात का दूसरा पहलू नहीं पता है, यहाँ हर एक चीज ईश्वर की इच्छा से होती है। कर्म हमारी स्वतंत्रता है, हम काम कर सकते हैं लेकिन फल, माफी चाहूंगा थोड़ा डिस्टर्ब होने के लिए, लेकिन कर्म हमारी स्वतंत्रता है, कर्म जो है वो हम खुद करते हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि कर्म हमारी स्वतंत्रता है लेकिन फल देना ईश्वर के हाथ में। तो हमारा काम है कर्म करना, अच्छा कर्म करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें, पूरी निष्ठा के साथ करें। और कर्म के साथ आपकी भावनाएं बहुत ही गहनता से जुड़ी है कि आप उसको किस भाव से कर रहे हैं। तो कर्म करें, फल की चिंता मत करिएगा। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दूसरा पॉइंट है कि होश न खोने की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग वो भी हैं जिनके पास सब कुछ, धन धान्य सो सब कुछ है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे बात को कि कहाँ है। और एक बात आपको बता दूं कि धनी लोगों के साथ अधिकतर ये होता है कि वो, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना क्या नहीं करना है। धनी का मतलब वो है कि जो लोग बहुत, आप लोगों की बात नहीं, जो बहुत घमंड में होता है, धन का जिन्हें घमंड होता है, और जो डाउन टू अर्थ नहीं रहते हैं, जो ज़मीन से जुड़े नहीं रहते, जो ज़मीन से उठे हुए हैं लोग हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ी तकलीफ है। ये भी आपको साथ एक मैं यूनिक बात शेयर कर देता हूँ कि जो लोग घमंड में होते हैं, जिन लोगों को बहुत अभिमान होता है, उन लोगों को होश में नहीं होते, वो तो बेहोश में होते हैं, वो अलग ही दुनिया में घूमते रहते हैं। तो मेरा कहने का सीधा सा अर्थ आपके लिए है कि आप हमेशा सकारात्मक रहें और पॉजिटिव रहें और होशो हवास में रहें। होशो हवास से मेरा मतलब है आप अपने आँख कान नाक सभी खुले रखें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति आपको किस तरह से डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। आपकी राशि के जातक बड़े सीधे और सिंपल लोग हैं, किसी की बातों में आकर कोई भी फैसला आप ले लेते हैं। आप खुद की सोचें, खुद के मन में आपको क्या करना है, इस बात को बिल्कुल सोचें और जीवन में आगे बढ़ें। एक और पॉइंट जो है हमेशा आपको इस विषय में दिक्कत देता है, वो आपका लक्ष्य। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी दोस्तों, चाहे आप किसी भी मुकाम पर हो, किसी भी जगह हो, लेकिन एक टारगेट होना जरूरी है। तो लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आप कार्य करें। मुझे पूरा यकीन है आप बहुत जल्द सफल होंगे और बहुत दूर तक पहुंचेंगे। तो अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर जय श्री महाकाल लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक पर जुड़ें, ट्विटर पर जुड़ें, सभी जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ जुड़ें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।